जय हिंद नमस्ते आप सभी साथियों का स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में स्वागत है गैस यहां भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और लेटेस्ट अपडेट लेके मैं हाजिर हूँ तो जैसा कि आप सभी साथियों के सामने हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के जो फॉर्म है दो के वो बहुत जल्द आने वाले हैं तो फाइनली गैस यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और बता दूं जैसे कि पी वालों का अभी आप लोगों के सामने हाल ही में लेटेस्ट अपडेट आया है जी हाँ प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट वालों के लिए यह गुड न्यूज़ है गुड न्यूज क्या है तो वैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं जी हाँ प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 के ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के लिए यहाँ पे आ चुके हैं बिल्कुल गुड न्यूज़ है सारी की सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मैं देने वाला हूँ कब आप लोगों की एग्जाम होगी कब से फॉर्म अप्लाई करना है फॉर्म अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी मिलने वाली है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप लोगों की जो सिलेबस है प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को डेली मिलती रहेगी और डेली यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आप लोगों को मिलने वाली है चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम वीडियो और यहाँ पे आप लोगों का रूल बुक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सारी की सारी जानकारी आप लोगों की यहाँ पे मैं देने वाला हूँ तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो है रूल बुक मैंने डाउनलोड कर चुका है सारी की सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है जैसा कि यहाँ पे देखिए अब आप लोगों का एग्जाम कौन लेगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल तो इनके द्वारा आप लोगों की जो है एग्जाम ली जाएगी ओके प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट दो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ये जो है वैकेंसी निकलती है बीएससी नर्सिंग इसके थ्रू करवाया जाता है जी हाँ बीएससी नर्सिंग करवाया जाता है और कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सारी जानकारी मिलने वाली है ओके तो देखिए यहाँ पे ये जो आप लोगों का आवेदन भरने की दिनांक है कब से स्टार्ट हो जाएगी तो वैसे देखिए यहाँ पे भरने की प्रारंभ तिथि है पंद्रह फरवरी 2023 यानी पंद्रह फरवरी से आप लोगों का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा देन का इस यहाँ पे लास्ट डेट क्या रहने वाली आवेदन को भरने की अंतिम तिथि रहने वाली है आप लोगों की एक मार्च जी हाँ एक मार्च अंतिम तिथि रहने वाली है आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि भी पंद्रह फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी अंतिम तिथि छह मार्च रहेगी किसी भी प्रकार की अगर फॉर्म में कोई भरते वक्त गलती हो जाती है तो फॉर्म को आप छः मार्च तक फिर से एडिट कर सकते हो परीक्षा बात कर ले आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो कब होगा तो, यहां पे, दो जी हां। तो अच्छे यहाँ पे टाइम दिया गया है जी हां। और इतने टाइम में आप लोगों की जो तैयारी है बेटर हो जाएगी और यहाँ पे डेली वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या सिलेबस है और सारी की सारी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी ओके okay गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले परीक्षा शुल्क जो ऑनलाइन आवेदन करोगे आप उसके लिए जनरल कैंडिडेट को चार सौ रुपये लगेंगे एस सी एस टी और पिछड़ा वर्ग और विकलांग कैंडिडेट को दो सौ रुपये मात्र इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगेंगे ओके गाइस देन आगे बढ़ते यहाँ पे तो आगे देखिए यहाँ पे परीक्षा तो मैंने बता दिया हूँ आप लोगों की छः जून को होगी और दो शिफ्ट में होगी प्रथम शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट ओके प्रथम शिफ्ट का जो है टाइमिंग आपका मॉर्निंग का रहेगा और जो द्विती आप लोगों की होगी एग्जाम ओके सेकेंड शिफ्ट वो बारह से एक बजे तक का होगा ओके इस प्रकार से आप लोगों का जो टाइमिंग शेड्यूल हो डिवाइड होगा अब देखते हैं आप हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी ओके गाइस चलिए तो बहुत बढ़िया और शानदार खुशखबरी है हमने पहले ही बताया था कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की जो भर्ती है दो की वो जल्द ही आने वाली है और देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने आ भी गया है जी हाँ जैसा कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा क्या करवाया जाता है आप लोगों को बीएससी नर्सिंग करवाया जाता है जी हाँ जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को पास करते हैं ओके okay, उनको चार वर्षीय का बीएससी पाठ्यक्रम करवाया जाता है देन यहां पे बात कर लूँ मैं तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पे जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ओके okay, अब देखिए यहाँ पे सीटें कितनी है कितनी सीटों के लिए आप लोगों की एग्जाम होने वाली है तो यहाँ पे देखिए इस बार सीटें बढ़ चुकी है जी हाँ अनारक्षित के लिए जो है वो दो सौ पोस्ट है कितनी दो पोस्ट जनरल कैंडिडेट के लिए है ई कैंडिडेट की एक सीटें हैं और यहाँ पे एस के लिए 210 और एस के लिए एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दो सीटें हैं इस प्रकार से टोटल एक हज़ार पचास सीटों के लिए इस बार प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का जो है एग्जाम लिया जा रहा है देखिए अब तक आप लोगों के लगभग कम सीटों के लिए जैसे पिछली बार आप लोगों की कितनी सीटें थी लगभग आठ सौ दस सीटों के लिए यहाँ पे उन्होंने जो है एग्जाम लिया था इस बार यहाँ पे सीटें आप लोगों की बढ़ा दिया है तो ये आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज है ओके देखिए यहाँ पे अब कॉलेज वाइज भी डिवाइड कर रखा है यहाँ पे दस देखिए यहाँ पे कितनी सारी अब जो सीटें बढ़ी है वो कहाँ के लिए बढ़ गई है तो देखिए पे आपकी जो दो कम से कम यहाँ पे दो से तीन जो नर्सिंग कॉलेज है वो नए खुले हैं कौन कौन से एक तो आप लोगों का बता दो नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट छिंदवाड़ा और दूसरा आप लोगों का महाविद्यालय नर्सिंग कॉलेज बालाघाट ये भी यहाँ पे गवर्नमेंट में शामिल सा... हो गए इस प्रकार से यहाँ पे और एक आध कॉलेज है जो आप लोगों का गवर्नमेंट में शामिल हुआ है इस प्रकार देखिए टोटल ग्यारह टोटल ग्यारह गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों के है नर्सिंग कॉलेज के ओके ज, जिसके थ्रू बीएससी नर्सिंग आप लोगों का करवाया जाएगा जी हाँ, और सभी में देखिए यहाँ पे साठ साठ सीटें अवेलेबल है कितनी साठ साठ सीटें अवेलेबल है इस प्रकार से आप लोगों की टोटल एक हजार पचास सीटें यहाँ पे आप आप लोगों को देखने को मिलेगी ओके गाइस चलिए आगे देखते तो हम चलिए यहाँ पे हम लोगों ने ग्यारह की बात की थी लेकिन देखिए यहाँ पे और भी कॉलेजेस यहाँ पे आप लोगों की गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे यहाँ पे देखिए शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय सीडी भी है राजगढ़ भी है नरसिंहपुर भी है सिवनी भी है रतलाम खंडवा अनूपपुर इस प्रकार से टोटल यहाँ पे देखिए नरसिंह अनूपपुर में मात्र तीस है बाकी सभी में जो है अठारह कॉलेज है आप लोगों की अठारह में से सत्रह कॉलेज में आप लोगों की साठ सीटें हैं और एक कॉलेज में तीस सीटें हैं इस प्रकार से टोटल आप लोगों की एक हजार पचास सीटें बनती है बहुत ही बढ़िया और शानदार यहाँ पे देखिए कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है ओके गाइस चलिए योग्यता देखते हैं हम लोग तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ओके देन पे सेकेंड और और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है तो देखते हैं हम लोग सामाजिक न्याय एवं जन कल्याण विभाग मंत्रालय का राजपत्र असाधारण दिनांक 27 दिसंबर 2021 के अनुसार अनुसूची ए में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना की अनुसूची दो में विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हन अनुसार कार्यवाही की जाएगी यानी यहाँ पे जो विकलांग कैंडिडेट उनके लिए अलग से सीटें अनिवार्य की जाती है यहाँ पे तो बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल सीबीएसई बी सी सी से मान्यता प्राप्त स्कूलों से जो है बारहवीं कौन सी कक्षा बारहवीं कक्षा पास आउट होना चाहिए और इंपॉर्टेंट है कि भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम पैंतालीस प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए कितने पैंतालीस प्रतिशत अगर आप लोगों ने ट्वेल्थ में लाया है ओके जिन्होंने भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों से ये जो एग्जाम है ट्वेल्थ की पास आउट किया है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और पैंतालीस प्रतिशत आप लोगों के होना चाहिए न्यूनतम ओके बारहवीं में तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो देन गाइस यहां पे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को पांच प्रतिशत अंक की छूट रहेगी यानी चालीस जिसके 40 परसेंटेज है वो भी यहाँ पे फिर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनको आरक्षण मिलता है जैसे एस सी कैंडिडेट हो गया ये कैंडिडेट जो है 40 प्रतिशत भी है अगर तो ये पास आउट कर यानी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं देन यहाँ पे देखिए बिंदु क्रमांक चार दशमलव तीन जो है आशा कार्यकर्ताओं पर भी लागू होगा जी हाँ यानी जो आशा कार्यकर्ता है उन वो भी जो है चालीस प्रतिशत अगर बारहवीं में है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं okay ओके है। okay. तो जुलाई दो हजार बाविस को आयु कितनी न्यूनतम सत्रह वर्ष कितनी न्यूनतम सत्रह वर्ष एवं अधिकतम अट्ठावीस वर्ष होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देन देखते हैं यहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं को कुछ छूट दी गई है आयु सीमा में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए आशा कार्यकर्ता की जो आयु है एक जुलाई 2022 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए मतलब यहां आशा को जो है छूट दी जाती है आशा कार्यकर्ता को आशा कार्यकर्ता के लिए आरक्षित सीटों में अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष में छूट का कोई प्रावधान नहीं है ओके चलिए तो आगे बढ़ते दिन का यहाँ पे तो आगे आप लोगों का देखिए जैसे एस सी अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमियर के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी कितनी पांच वर्ष की छूट दी जाएगी मतलब जैसे अट्ठावीस वर्ष रखा गया था यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा इसमें पांच प्लस कर दीजिए आप लोग तो कितनी हो जाएगी टोटल आप लोगों की जो हो जाएगी तैतीस वर्ष यानी तैतीस वर्ष वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जी हाँ एस सी एस टी और ओबीसी के जो है वो तैतीस वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट और जानकारी थी ओके देन गाइस यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं हम देखिए यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, हो सकती है ये देखिए यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी अपात्र रहेंगे क्योंकि ये महिलाओं के लिए ओके गाइस देन यहाँ पे से आप लोगों का छह दशमलव चार नंबर का पॉइंट है कि मध्य प्रदेश शासन से जारी राजपत्र दिनांक 10 मार्च 2000 के अनुसार अभ्यर्थी के विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम हो अयोग्य ओके अर्थात जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित आयु 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया है तो ये जो है वो अयोग्य माना जाएगा ओके इस फॉर्म के लिए मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कहना चाहिए तो 18 वर्ष से पहले ही शादी कर चुकी थी अब वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा ओके ये आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ पूरी डिटेल वाइज जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों के सामने क्रिएट ना हो अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आप लोगों के मन में आता है तो गाइस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा हम यहाँ पे आप लोगों का डेली यहाँ पे जवाब देंगे ओके देन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट वार उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को शेयर की जाती क्या? है क्या स्टूडेंट वार करके आप लोगों का जो है एक टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों ने बनाए हैं वहाँ पे भी जानकारी दी जाती है ओके आरक्षण की बात हम लोगों ने कर चुके हैं क्या क्या आरक्षण आप लोगों को मिलने वाला है अब देखते हैं हम लोग यहाँ की आप लोगों की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी यानी सिलेक्शन आप लोगों का किस प्रकार से रहेगा तो देखिए शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बी नर्सिंग के प्रशिक्षण में चयन हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी यानी आप लोगों की एक एंट्रेंस एग्जाम ली जाएगी मंडल इस परीक्षा के आधार पर एक जाई प्रवीणता सूची श्रेणीवार विभाग को मेरिट सूची तैयार होती है उसके आधार पर आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है मेरिट सूची के आधार पर पहले एग्जाम फिर मेरिट सूची बनेगी रिजल्ट आने के बाद देन यहां पे देखिए यहां पे न्यूनतम अरकारी कटाफ अंक क्या रहते हैं ओके यानी अगर आप लोग पी की एग्जाम पास आउट करना चाहते हो तो क्वालिफाई मार्क क्या रहता है कि एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो कितने मार्क्स में तो देखिए पे जनरल वालों के लिए 45 मार्क्स लाना जरूरी होता है 45 नंबर तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो देन डें अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पांच प्रतिशत अंक छूट रहते हैं मतलब चालीस प्रतिशत में आप क्वालिफाई कर जाते हो यहाँ पे एग्जाम ओके और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बता दू यहां पे इंपॉर्टेंट तो है अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत किया जाना okay. अगर आप ऑनलाइन आवेदन आप लोग जब करोगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑनलाइन वेबसाइट से तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले दसवीं की अंक सूची ओके okay, ये आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्लियर करेगी कि आप लोगों की जो जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है वो दसवीं की अंक सूची से लिया जाएगा देन यहाँ पे बारहवीं की अंक सूची आप लोगों को लगेगी अपलोड किया जाएगा देन उसके बाद लगेगा आप लोगों का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया जाती प्रमाण पत्र लगेगा और मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा आवेदन शुल्क की बात किया था मैंने बता दिया हूं आप लोगों को कितनी शुल्क इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है ओके देन यहां पे बता दूं मैं परीक्षा एम -E द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी तो यहाँ पे आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पष्ट करवाने वाला हूँ पाठ्यक्रम के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों का बना दिया जाएगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा तो गैस यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसके लिए भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा ओके नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का इसी का होगा कि जो आप लोगों का फॉर्म है वो आप लोग किस प्रकार से भर सकते हो ओके okay, देखिए ये आप लोगों की जो नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश की प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पे आप लोगों का जो है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हेल्थ डॉट एम पी गवर्नमेंट डॉट इन पे प्रदर्शित की जाएगी सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मिलते रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते गाइस हम लोग कि आप लोग फॉर्म किस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो तो क्या क्या और भी इंपॉर्टेंट जानकारी लगने वाली है ओके थैंक यू गाइस फिर मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के शानदार अपडेट के साथ